हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने कुछ पेट दर्द से रिलेटेड जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। अक्सर जब पेट दर्द होता है हम इग्नोर कर देते हैं। कभी भी पेट के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट था, गैस बन रही थी और हमने गैस की गोली ली और हम सो गए। बहुत सारे इवन एक्टर्स के इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि नहीं, बस थोड़ा सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ था, यहाँ पे अपर एब्डोमन में पेन हुआ और सुबह पता लगा कि उनका हार्ट अटैक से जान चली गई। तो अगर अपर एब्डोमन में यहाँ पे आपको पेन होता है, इसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें। इसके कारण हो सकते हैं या तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और अगर यहीं पर बहुत शदीद तेज दर्द है और राइट साइड में हो रहा है और कंधे पे भी जा रहा है दर्द, तो ये आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द हो सकता है। उसके अलावा आपको हाइटस हर्निया होगा, तब भी इस तरह का दर्द हो सकता है अपर एब्डोमेन में। और जब आपको बहुत तेज पेट में दर्द होता है कई बार, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि आपकी आंत में बंद लग गया हो। अगर ऐसा होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। उसमें आपको या तो कॉन्स्टिपेशन रहा होगा, एक दो दिन से आपको टॉयलेट नहीं आ रही होगी, आप हवा पास भी नहीं कर पा रहे होंगे लेट्रिन के रास्ते, और आपका पेट ऐसे लगेगा जैसे फूल रहा है। और अगर आपको बहुत तेज दर्द होता है तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएं सो दैट आपका सही समय पे इलाज हो जाए। अदरवाइज आंत अगर बर्स्ट हो जाएगी तो फिर ये जानलेवा हो सकता है और पूरा पेट खोल के फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा जो दूसरी बीमारी होती है अपेंडिक्स का जब दर्द होता है, ये भी एक्यूट पेन होता है और ये भी जानलेवा हो सकता है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो अपेंडिक्स का पेन है जनरली वो इस साइड में, राइट साइड में, इलियक फोसा में होता है, तो ये भी डॉक्टर एग्जामिन करके पता लगा लेता है। कई बार दवाइयों से या कई बार ऑपरेशन के बाद अपेंडिक्स के दर्द में आपको राहत मिलती है, लेकिन अपेंडिक्स में भी अगर एप्सेस बन जाता है, जिसको अपेंडिकुलर एप्सेस कहते हैं, वो अगर रप्चर हो जाए या अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो पूरे शरीर में इसका जहर फैल सकता है, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये आपकी जान जाने का कारण भी बन सकता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताना यहाँ पे चाहूंगा, खासतौर से फीमेल पेशेंट्स के लिए, कि बहुत बार उनका जो दर्द है वो कन्फ्यूज करता है। अगर उनको राइट साइड में दर्द है, हो सकता है लेफ्ट साइड में भी दर्द हो, वो ओफ्राइटिस यानी कि ओवरीज पे सूजन की वजह से भी हो सकता है, कोई उनको जेनेटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, लेकिन जो एक सबसे कॉमन और ख़तरनाक चीज़ होती है वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर अनडाइग्नोज रह जाए और समय पर उसका डायग्नोसिस ना किया जाए तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज डाउट में छूट जाती हैं कि इसको शायद अपेंडिक्स का दर्द होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द होगा, पेनक्रेटाइटिस हुआ होगा, ओफ्राइटिस हुआ होगा, या बहुत सारे पेट के दर्द हो सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल पेशेंट है और वह एक्यूट एब्डोमन में और सीवियर पेन एब्डोमन के साथ आया है, तो उसको अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। अगर वो मैरिड है, फर्टाइल है, तो कहीं पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि अगर जो भ्रूण है प्रेगनेंसी, अगर वो यूट्रस के बजाय कहीं किसी दूसरे अंग में चली जाए, एब्डोमन में चली जाए, जब वो बढ़ने लगती है, तो क्योंकि अब एब्डोमन के लिए एक तरह से एक्सटर्नल पार्टिकल है और बॉडी रिएक्ट करती है और बहुत तेज पेन दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है, और मरीज की जान भी जा सकती है अगर सही समय पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज ना किया जाए। तो मुझे लगा है कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की बातें हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि कभी अगर किसी को पेट दर्द होता है तो उस समय क्या करना चाहिए, और आप सही समय पर अगर सही डिसीजन ले लेंगे तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।